और अब स्पोर्ट्स न्यूज़। पाकिस्तान की सियासत में एक और वज़ीर-आज़म को घर भेजने की तैयारियां हो रही हैं, जिसका फैसला इतवार को हो जाएगा। इससे पहले शाहिद खान अफरीदी ने भी खामोशी तोड़ दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी का कहना है कि खुदारा किसी एक को मुंतखब हुकूमत को तो आइनी मदद पूरी करने दें। शाहिद अफरीदी ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान के क्याम को 74 साल हो गए हैं, खुदारा किसी एक मुंतखब हुकूमत को तो आइनी मदद पूरी करने दीजिए, क्योंकि हर आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को आइनी मदद पूरी करने का हक होता है। उन्होंने मजीद लिखा कि 74 साल की बुराइयाँ ख़त्म होते होते होंगी। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के हुकाम ने कहा है कि पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की का तसलसल देखने के ख्वाहां हैं। 72वें फीफा कांग्रेस में PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के वफद ने फीफा हुकाम से मुलाकातें की। मुलाकातों में पाकिस्तान फुटबॉल की जल्द बहाली के लिए वफद अराकीन ने बातचीत की। फीफा ने नॉर्मलाइजेशन की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखने के अज़म का अदा किया। वफद में चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक, अराकीन शाहिद खोकर और हारिस अजमत शामिल थे। हारून मलिक ने कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल की बहाली के लिए फीफा और AFC की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबेन जारी वनडे मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। सीरीज के इस मैच में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इस तारीख साज मैच में जहां पाकिस्तान के बैट्समैन इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम ने रिकॉर्ड सेंचुरी स्कोर करके आलमी रिकॉर्ड बनाया, वहीं पर कौमी टीम के नाम भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 348 रन का पहाड़ जैसा मजमुआ बनाया था। पाकिस्तान ने इमाम उल हक को बाबर आजम के रिकॉर्ड 7 सेंचुरियों के बदौलत ये हदफ 1 ओवर कबल ही हासिल कर लिया और 1 मैच में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। ये पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़े हदफ का कामयाबी से ताकुब करने का रिकॉर्ड भी है।